कुत्ते को बचाना है, इंद्र 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 को बचाना है, चित्ते को बचाना है, चित्ते को बचाना है, इंद्र को बचाना है, इंद्र को बचाना है, इंद्र को बचाना है, चित्ते को बचाना है, चित्ते को बचाना है, इंद्र को बचाना है, चित्ते को बचाना है। बंद करो चिट्ठा पीछे, बंद करो, चिट्ठा बंद करो, 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 नमस्कार सभी को, जय शंकर। बंद करो, बंद करो, बंद करो। ड्रग्स की मात्र एक ही रिश्तेदारी है, एक बहन से अपने भाई की कलाथी हाथ जो है, कलाई जो है छीन लेना, एक सुहागन से पति छीन लेना, एक गरीब माँ से अपना बेटा छीन लेना। ड्रग्स इस समय पूरे भारत को लेकर लोग प्रभावित हैं। हमेशा आप देखते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में ड्रग्स को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस अध्ययन लेते हुए ड्रग्स माफिया की गिरफ्तारी करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य हमारे मंदिरों के शहर में अब ऐसा प्रतीत होता है कि ड्रग्स को लेकर आज नौजवान हमारे सेफ नहीं है। हमारे इस वक्त जनता यूथ है जो पुलिस के साथ साथ इस नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का सहयोग करते हैं। इस समय हम फिंदड़ इलाके में हैं जहां पर जनता का आरोप है कि यहां पर ड्रग्स बिकता है। ड्रग्स की एक ही मात्र रिश्तेदारी है कि उसने जीवन लेना है, मेरे बच्चे, आपके बच्चे। ड्रग्स को लेकर जिस तरीके से जनता इतनी ज़्यादा परेशान है, आज इस पर ही प्रदर्शन फिंदड़ इलाके में देखा जा रहा है और सरकार से इन्होंने यही गुहार लगाई है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उसका व्यापार करते हैं, पुलिस उनकी गिरफ्तारी करे। और आक्रोश प्रदर्शन करते हुए मात्र यही दिखाना है लोगों को कि हमारे बच्चे सेफ नहीं है। फिंदड़ इलाके में छोटी छोटी मगरमच्छों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, जो बड़े बड़े शार्क और मगरमच्छ फिंदड़ इलाके में बैठे हैं, जो आए दिन चिट्टा का कारोबार करते हैं, हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह करते हैं, उनसे बचा जाए हमारे बच्चे नौजवान, जिसको लेकर ही आज हमारे नौजवान यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सभी से बात करूंगा, इनका क्या कहना है ड्रग्स को लेकर। सर क्या कहेंगे, सबसे पहले तो आप युवा की बात करते हैं, क्या आज का युवा हमारे फिंदड़ बिश्नाह इलाका जो सुर्खियों में रहता है ड्रग्स को लेकर सेफ है, और क्या अपील करेंगे पुलिस विभाग के समक्ष? सबसे पहले जय जय भारत। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जेके चैनल का, जो हमारी बात सुनकर आज जहां गांव फिंदड़ में आए हैं। सर आपसे माध्यम हमारी कास्ट है कि आज सिर से पानी हद हो गया, सिर से इस गाँव का बेड़ा गर्क हो गया कि यह चिट्टो बने। आज के टाइम गाँव फिंदड़ में इतनी चोरी हो रही है, वो हमारे लोग चोरी कर रहे हैं और कर कहा रहे हैं गांव में, और जो चोरी करते हैं वो सामान कहाँ जा रहा है, वो ठेकेदार चिट्टे का। हमारे गांव में कुछ लोग चिट्टा बेचते हैं, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से उनको भी बार नहीं हो जाए। दूसरे नंबर थे हमारे जम्मू बनोज सर, SSP, जम्मू DC, आस पूरा SDM साहब, DSP साहब, मीरा साहब, SHO, कुलनी चौकी अफसर साहब, हमारी सबसे रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से कि हमारे गांव पे फोकस किया जाए, इधर गांव फिंदड़ में अपना फोकस किया जाए, इधर छापेमारी हो, जो लोगों की जिंदगियां खतरे में, जो उनकी छीन रही हैं, इसको बंद किया जाए। पिछले दिनों में सर जहां मेरे गांव में करीबन लगभग एक साल पहला चलते चलते 22 लड़के मर गए चिट्टे के कारण, कोई बैठता दुकान में उधर मर जाता है, कोई गली में बैठता उधर मर जाता है, कोई कहीं मर जाता है, और गाँव की जो अपनी लड़कियां भाई बहन ती बहन है, मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है, मस्जिद जाना है, चाहे कहीं शॉपिंग करें था, वो चिट्टे की वो महफिल दे के वापस चली जाती है। आपका जो आरोप है कि यहाँ पर ड्रग्स बिकता है, क्या पुलिस अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी करती है? हमने पूछा जी पुलिस क्यों नहीं, मैंने बयान सुने, वो कहते हैं पुलिस को महीने लगाए हैं, पुलिस बहुत अच्छी है। मैं पुलिस किस पैक करता हूँ, SSP ब्रो सर, अब मेरी बात ब्रो सर से जाएगी, प्लीज फिंदर गांव पे फोकस किया जाए। ब्रो सर ने पिछले कुछ मैंने देखा कि महीने के में छापेमारी की उन्होंने, बिश्नाहरी में छापेमारी, इस बनचक साइड छापेमारी की, मैं बहुत उनकी अच्छी तरीके से जो उन्होंने मीन चुकाई है, और उनके साथ मैंने देखा दिन रात को जो बिश्नाह केस बुखारी है, बहुत अच्छे कदम स्टेप उठाए। हमारी मांग जहां DSP RSP गोगल सर को है, SHO का, प्लीज सीधे फोकस किया, खास करके
जो हमारी प्रेस्टाइज रखी है जे चिट्टे के, हमारे गांव के सब के हमारे साथ देखो लंबरदार जो मौके गांव के लंबरदार खड़े हैं, हर बलादी के प्रधान खमरे हैं, हमारी कमेटियां बलादी दुखी हो गई, हमारे गांव के लोग दुखी हो गए हैं, हार के आज हमारी जो गांव की मीटिंग हुई इसके बाद हमारी कैप्टन जाएगी, हमारी पंचायत अभी नहीं है, डिले है, जब भी नई पंचायत बनेगी शायद उसके पहले जो हमारी हर कमेटी के बुला दिए, चाहे वो गुरु रविदास कमेटी है, चाहे वो सिख कमेटी है, चाहे वो बटवाल कमेटी है, चाहे वो कोई किसी भी बुलाई की कमेटी हो हमारे गांव की रीति में राधा कृष्ण कमेटी, हम मिलकर एक एप्लीकेशन लिखेंगे, हमें कोई पसंद है किसी से कोई कोई गैर नहीं, कोई अपने कोई बैर नहीं, सदा कोई किसी से कोई बैर नहीं, कोई है ना सभी अपने कोई गैर नहीं है, सदी जी मंगा हम उसके आदमी के खिलाफ नहीं उसके कामों के खिलाफ है, हमारे गाँव में हम चिट्टा नहीं बिकने देंगे, हम उसके हम इसके साथ कड़े से कदम जे इसको उठाएंगे, हजरी माँ गवर्नर सब जाएगी खास करके जम्मू डीसी साहब एसएसपी, हमने आपके और जो काम करती है मीडिया साहब हमारे जो लंबर इसके बयान हो ये हमारे जूथ के हमारे भाई प्रधान है इनके भी थोड़ी अपडेट भाई लो। सिंह साहब रिस्क की ड्रग्स की तो ना तो मजहब देखता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी जम्मू कश्मीर राज्य के हैं एक एक बच्चा उस पर प्रभावित देखने को मिलता है, आप भी फील्ड में रहते हैं, अगर इस इलाके में ड्रग्स बिकता है तो आप गांव की जनता एकत्रित होकर उन लोगों को यहां से बाहर निकाले या पुलिस के समर्थन मांगे, क्या पुलिस सपोर्ट करती है ऐसे लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए? देखिए ये कहने की बातें हैं, वो लोग तो जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं कि हम ऊपर आवता देते हैं, हमने कभी किसी को लेते हुए नहीं देखा, हमने कभी कभी किसी को देते हुए नहीं देखा, उल्टा पुलिस पे इल्जाम लगा, उल्टा पुलिस पे इल्जाम लगाते हैं। गांव के लोग इतने गांव की आबादी है, अगर आप लोग चाहो सभी गांव के लोग इकट्ठे होकर उन लोगों को यहां से बाहर निकाला जाए। मैं आपकी बात को दुरुस्त मानता हूं, जैसे पहले पहले भी इन्होंने बयान दिया है कि एक लेडीज थी इधर ये काम करती थी, उसको गाँव वालों ने मिलकर बाहर निकाला है, ठीक है, अगर ऐसे हो जैसे सबको निकालना कई बार जनता के बस में नहीं होता जी, बिल्कुल, थोड़ा सा पुलिस का अगर कुछ हो पुलिस के साथ जितना साथ देना है वो हम देंगे, आप बोलो हम जाके उनको इधर से मार के भगाएं ये भगाएं कल हमारे ऊपर कोई ऐसा केस हो जाएगा, हम भी ऐसा नहीं कर सकते जी। जो एक सिंपल बात है जैसे कंधे से कंधा मिलाना है, किसी के साथ चलना जी, है किसी को वो करना है, उसके लिए हम हर तो नौजवानों को बचाने के लिए आप समर्थन करते हैं, ठीक है, तो पुलिस का कैसा सहयोग रहता है, कितने लंबे समय से यहाँ पर ड्रग्स बिकता है? सबसे पहले आप मेरे ख्याल में 4-5 साल से, 4-5 सालों से यहाँ पर ड्रग्स बिकता है, 4-5 सालों में क्या पुलिस ने यहाँ के लोगों की गिरफ्तारी की है? ज्यादा कहते हो, जैसे हम जैसे परेशान हुए हैं 6 महीने से तो हमको लगता है कि ज्यादा हो गया इसको बचाना, 4-5 सालों में इस इलाके में कितने बच्चे जो हैं जिनकी डेथ हुई है? 20-25 पाँच सालों में 20-25 बच्चों की जान बच्चों की जो है मृत्यु हुई है, जैसे हम 20-25 बोलते हैं 15 तो गिन के बता सकते हैं जी, मतलब इतने तो होंगे जंग लड़के, तो जैसे इतना होने लगा अभी जैसे हम बैठ के कभी कभी आपस में बातें करते हैं, ये एंचल साहब मेरे से मेरे पास आए जैसे हम इनके पास के, ये कोई मसला नहीं है, हम आपस में मिलते हैं इधर बैठते हैं, मेरा दफ्तर है यहाँ, यहाँ आके बैठते हैं मिलते हैं, आपस में बात की है कि आज मैं अगर आप भी चाहते हो तो हम मीडिया को बुलाते हैं, मैंने कहा जी बुलाओ हम बिल्कुल आपके साथ, आपकी तरफ से उनको लास्ट चेतावनी है, यहाँ से चेतावनी है कि आप सुधर जाइए नहीं तो पुलिस या हम सुधारेंगे, बिल्कुल ये तो बात सही है, ये तो बात 100% है, क्योंकि पुलिस थोड़ा सा हमारा साथ है, देखो हम किसी को मार नहीं सकते, हम किसी को मार नहीं सकते, इधर से मार के भगा नहीं सकते जी। पुलिस आए एक बार उनसे पूछताछ करे, उसके बाद हमें भी पता चले दोबारा कुछ करें, हम पुलिस को बता देना दिन को रात को जैसे जो भी कहोगे वो हम करेंगे। तो जनता की आज चेतावनी है, जनता की ये चेतावनी है कि आप इसका काम छोड़ दीजिए, आप चिट्टा जहर ना बेचे, जो आज के नौजवानों के नसों में जहर चिट्टा भर दिया जाता है जिससे आए दिन हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह हो रही है। जनता यूथ का एक ही मैसेज है आज मीडिया के माध्यम से, मेरे जैसे सभी पत्रकार यहाँ आ रहे हैं कि फिंदड़ इलाके में जिस तरीके से ड्रग्स का कारोबार होता है उस पर रोकथाम जो है लगाई जाए, और अक्रूर जो है प्रदर्शन इस समय देखने को मिल रहा है। सर क्या बोलेंगे आप? सर यही हमारी यही गवर्नर साहब से और सरकार से मांग है कि इस चिट्टे को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, नहीं तो वरना ये जहाँ पे कोई भी जुबा जो है वो नहीं रहेगा, जैसे इतने आए दिन हर गांव में मृत्यु हो रही है, हर गांव में मृत्यु हो रही है, किसकी वजह से? चिट्टे की वजह से, और इसकी वजह से इतनी ज्यादा हो चुका है कि कहना और चलना बड़ा मुश्किल हो गया है, जो बेचारे लोग फैक्ट्रियों में जाते थे उनको आने की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो रात को डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, घरों से लोग बेचारे बाहर नहीं जा सकते, अगर किसी का बच्चा भी मारा वो भी बेचारा सोच समय के बाहर निकल रहा है, तो इतनी ज्यादा गंदगी हमारे हिंदुस्तान में पहली बार देखने को मिली है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम यार इस चिट्टे को इस ड्रग्स को बंद किया जाए, अगर जो लोग बेच रहे हैं वो बचेंगे वो भी नहीं, लेकिन उनको शर्म नहीं है इस टाइम ड्रग्स बेचने वाले
लोगों की तरफ से क्या आपको थ्रेट वगैरह आते हैं जब आप आवाज उठाते हैं, पूरे गांव के लोग इकट्ठे करते हैं, आपको क्या धमकाया जाता है या प्रेशर तो नहीं बनाया जाता आप लोगों पे कभी कभार? कुछ नहीं है, होता है। कभी कभार मैंने देखा कि ड्रग्स के बोचने, ड्रग्स को लेकर बोलने के लिए कुछ लोग सामने आ रहे हैं, कुछ लोग डरते भी हैं, जिस तरीके से मैंने देखा। सर उनको डर होगा क्योंकि वो करते होंगे या उनको कोई लालच होगा, हमें कुछ नहीं है, हमें किसी का कोई डर नहीं है। और हम यही जा रहे हैं कि उनको भी यही मैसेज दे रहे हैं जो बेचारे बेच रहे हैं, शायद उनको इसका पता नहीं है कि उनका आने वाला जो समय, आने वाला भविष्य, उनका भी खत्म हो जाएगा। अगर वो लोगों का कर रहे हैं तो उनका खुद का भी होगा। लेकिन यही हमारे अपील है कि कम से कम यार इस चीज को बंद करो, और हमारे जो इतनी बुरी हालत हो चुकी है लोगों की, इसको अब तो मौत का भंडार हो चुका है। यहाँ पे इतने परेशान है लोग कि घरों से बाहर निकलना मुश्किल, ध्यान लगाना मुश्किल, ऊपर से इतनी महंगाई हो रही है और इतना बाहर से जो टहरा, जैसे देखो हमारे जम्मू के इस टाइम क्या हालत चल रहे हैं, आए दिन मृत्यु और हमारे जवान इतने शहीद हो रहे हैं। और हमारे तो गवर्नर साहब से यही है रिक्वेस्ट है, कम से कम कृपया करके इस पर ध्यान दे, नशे को बंद करें। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आम जनता को बताएं कि हमसे नहीं हो रहा है, तो आम जनता आपकी सपोर्ट करती है, हम सब लोग आपके साथ जुबा खड़े हैं। अगर हम किसी को पकड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से डरते हैं या कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हम पुलिस के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें अपने बच्चे बचाने हैं, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, हिंदुस्तान को बढ़ाना है। अगर ऐसा चलता रहा तो ना तो हिंदुस्तान बचेगा और ना ही जनता बचेगी। तो हमारी विनोद साहब से, एसएसपी साहब से, पुलिस प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया इस पर ध्यान दीजिए और इसको बचाने का प्रयास कीजिए ताकि दुनिया बच सके। बुरी हालत है, आए दिन आपकी मीडिया जितनी भी है जितनी मदद कर रही है और लोगों को हर घर में जाकर हर घर घर में जागरूकता दे रही है कि इस नशे की मुहिम को आगे बढ़ाओ, चलो आगे हमारे साथ चलो। अगर मीडिया को डर नहीं तो आम जनता को कैसे डर है? मीडिया तो अकेली चल रही है, आम जनता तो इकट्ठे होकर चल रही है। तो इसलिए हमारी यही है कि मीडिया सबसे बड़ा जो है वो मीडियम का योगदान रहा है हमारे हिंदुस्तान में और आज तक चल रहा है। जहां अगर पहले एक बार कारगिल में जो बार हुआ वहां तक हमारा मीडिया चल रहा था, और इस टाइम नशे की इतनी हालत है कि पुलिस प्रशासन को भी नहीं लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी मीडिया एक ऐसी मीडिया है जो कि हिंदुस्तान में हर घर घर में जाकर के बंद करवा रही है चिट्ठा के, बंद करो इसको। क्या उनके बच्चे, उनका परिवार कुछ नहीं है क्या? उनको डर नहीं है? लेकिन है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि कम से कम लोगों के अंदर जाकर के लोगों को जगाने का प्रयास किया जाए ताकि इस नशे को बंद किया जाए और हमारी जनरेशन जो खत्म हो रही है उसको बचाया जाए, ताकि हमारे हिंदुस्तान में इतनी डेवलपमेंट, बाहर हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जा रहे हैं, लोग इतना सम्मान कर रहे हैं, और आज देखो हमारे घर में क्या हो रहा है, हम घरों से बाहर नहीं जा रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया से। और भी हैं सर, क्या बोलोगे? सर शुक्रिया पहली बार तो आपका हमारे गाँव में आने से। मैंने तो अपने कोई 10 साल में पहली बार ही देखा कि हमारे गाँव में मीडिया आई है, कोई कदम उठा रहा, अच्छा कदम उठा रहा सर, बहुत अच्छा लगा सर हमारे गाँव के इतनी मतलब इम्प्रूवमेंट करने का कि हमारे गांव में भी किसी लोगों को, बाहर के लोगों को पता चले कि हमारे गांव में चिट्टा बहुत बिक रहा है। जो सही बात कही है सर, हमारे गांव में बहुत नौजवान लड़के मर गए हैं बेचारे, शादीशुदा लड़के, इतने इतने 20-25 साल 30 के नीचे नीचे ही मर गए हैं सर। यही मांग है मेरी भी गाँव वालों से कि चिट्टा बंद होना चाहिए। जो बंदा बेच भी रहा उसको भी यही होना चाहिए कि यार उनके बच्चे मर रहे हैं तो कभी हमारे गाँव, हमारे घर में भी ऐसी पड़ सकती है चीज। इसलिए बंद कराने के लिए अब आपका प्रदर्शन जारी रहेगा यहाँ तक, तब तक आप जब तक इस इलाके में ड्रग्स जो है खत्म नहीं करते, कि मात्र आज मीडिया को बुलाकर एक बार चेतावनी दी कि आगे भी आप प्रदर्शन करेंगे, लोग उनका जो है विरोध करेंगे। हम यही कि आपको फिर बुलाएंगे हम, अगर एक अभी तो हमने चेतावनी दे दिया कि अभी चिट्टा यार बंद कर दो, ये सही नहीं रहेगा। हमारे छोटे छोटे भाई हैं जो नौजवान लड़कियां डेथ हो रही है उनकी। और नौजवान सर बोलेंगे कुछ आप? कृष्ण जी शुक्रिया आपका हमारे गांव में आने के लिए। कृष्णा जी यहाँ पे ना चिट्ठे की जो वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सबने बताया, अब हमने जो आपको बताना है वही रिपीट करना है जी। तो कृपया हमारी गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि यहाँ गांव फिंदर तहसील आरसपुरा में है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, इधर थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारे छोटे छोटे नौजवान मर भी गए हैं और मरने के लिए कुछ रेडी भी हो गए हैं, ठीक है। और कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ से लेटेस्ट न्यूज़ कोई ना कोई आने ही वाली है कि चिट्ठे से मरा लड़का वहाँ पड़ा था, नौजवान लड़का, यही 15-20 साल 25 साल की एज में है, ठीक है। और चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो कृपया इधर थोड़ा सा ध्यान दें ताकि ये लड़के बच जाएं और गवर्नमेंट को इधर भी थोड़ा सा रूल ध्यान। थैंक यू जी। कई बार हमने जो सप्लायर हैं जो ठेकेदार हैं चिट्टे के या शराब के, हम उनको पूछते हैं, वो सीधे कहते हैं हम तो महीने देते हैं,
मतलब प्लीज कम ही नहीं थे, उनको कोई डर नहीं सीधे, मतलब कोई डर ना। हमने आपको क्यों बुलाया कि आप मीडिया की बहुत पावर है कि आपके माध्यम से हमारी बात ऐसा भी भरोसा से पास जाए और वो छापेमारी करे, हमें भी पता ना लगे कि उनके घर में कब छापे पड़ गए हैं, कब आदमी उठा लिए हैं। उनको थोड़ा डरो प्लीज, का भाव नहीं किसको डर नहीं है। गांव में बुरी हालत हो गई, गांव के बच्चे मर गए हैं। पहले देसी आदमी शराब बेचते थे, नहीं बोलते थे गांव वाले, टिक्किया डाल के केमिकल डाल के अब चिट्ठे का जहर बेचने लगे हैं। अब हम सैम चुप नहीं बैठेंगे। अगर पूछे क्या इनको सांस दिए गए हैं, क्या इनको जैसे ठेके वालों को बन छप वालों को सांस दिए, इनको ठेके नहीं है गाँव में चिट्ठा पीने के, क्या इनको डर नहीं है, खोफ नहीं है कहीं गाँव वाले गुस्से में कोई गलत कदम ना डाले। हम कानून को हाथ में नहीं लेना नहीं चाहते हैं, हम कानून के दायरे में काम करेंगे, कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, कानून से संविधान की बात करेंगे, संविधान चलेगा कानून से साहब। और जो हम एसपी साहब डीसी साहब, हमारी मांग यही है कि गांव में चिट्ठा बंद होना चाहिए। और मैं उनको भी बारिंग देता हूं, मेरी आप मादी मेरे जो गांव का है मैं उनका नाम लेता कि अब तुम नहीं चुप नहीं बैठेंगे। कृष्ण जी आपने बोला कि जैसे कि अजय बच्चू जी, कृष्ण जी अंचल गांधी जी कदम उठाया है। मैं जब घर से निकलता ना तो जे देख रहे हो चिट्टा कफन कहता हूँ, जब भी कोई नसीब होगा नहीं तो अपने वाला सिर पर आ जाएगा तो बहुत होगा, मरते मरते भी कफन पर दे दूंगा। मुंह से बैम नहीं मुझे तो मुझे मेरे गांव में, अब मैं चिट्टे वालों को आज आपको बुलाया, कल डीसी को बुलाऊंगा, परसों एसएसपी बुलाऊंगा, डीजी को बुलाऊंगा, पर आज चिट्टा गांव में नहीं बिकने देना, चाहे कुछ भी हो पमे करवानी मुझे भी देनी पड़ी, अपने गाँव को लिए मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं, पर गाँव में चिट्टा बेचने। जय जय भारत, फिंदर एकता जिंदाबाद। देखेंगे जी, आज मैं सिंदड़ इलाके में हूँ। आज यहाँ के जनता ने एक संदेश प्रशासन के समक्ष, पुलिस विभाग के समक्ष मात्र इतना ही रखा है, कुछ लोग जो है इस गांव में ड्रग्स का कारोबार करते हैं, उस पर हम गांव के लोग इस समय उनके सामने खड़े हैं, हम यहाँ पर इसका कारोबार नहीं करने देंगे, ड्रग्स मुक्त हमारा सिंदड़ होगा, जो लोग इसका कारोबार करते हैं उनकी गिरफ्तारी हो, ताकि हमारे जो बच्चे हैं इस इलाके के, नौजवान हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, बच पाए। आज यंग युवा और आम जनता भड़की हुई है और साफ तौर पर चिट्टा बेचने वाले ड्रग्स माफिया को उन्होंने चेतावनी दी है, आप सुधर जाइए, पुलिस सुधारेगी, नहीं तो हम भी कड़ा विरोध करते हुए आपके घर तक घेराव करेंगे अगर आप इसका काम जो है छोड़ते नहीं, बंद नहीं करते। वीडियो को शेयर करें और जितना हो सके शेयर करें, ताकि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस तक हमारी बात पहुंचे और कड़ा एक्शन लिया जाए, और मौत के सौदागर, ड्रग्स माफिया के सौदागर, इनका मात्र एक ही काम है कि हमारे बच्चों, हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खत्म करना है, तबाह करना है, ये सफेद चिट्टा बेचकर। वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद, जय शंकर।